आज के फनकार। नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम में बातें उस अदाकारा की, फिल्म में जिसके लिए जावेद अख्तर ने लिखा ये गाना। आज की फनकार कार्यक्रम में बातें उस अदाकारा की जिसने सुभाष घई की इस फिल्म के जरिए शुरू किया अपना करियर। इनमें से कोई भी नहीं, मैं सपनों का सौदागर। आज बातें उस अदाकारा की जिसके लिए आप कहते हैं आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है जानी मानी अदाकारा मनीषा कोइराला पर। मनीषा कोइराला नेपाली मूल की भारतीय अभिनेत्री हैं। वो हिंदी फिल्मों के अलावा नेपाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम फिल्मों में भी सक्रिय रही हैं। वो भरतनाट्यम और मणिपुरी नृत्य में पूर्ण रूप से पारंगत रही हैं। मेरे नैनों के दर्पण में, मेरी यादों के आंगन में, मेरी सांसों में, जीवन में सिर्फ तेरी खुशबू है, सिर्फ तेरा चेहरा है, सिर्फ तेरा चर्चा।
मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल के काठमांडू में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रकाश कोइराला और माँ का नाम सुषमा कोइराला है। इनके पिता नेपाल राजनीति में सक्रिय हैं। इनके भाई सिद्धार्थ कोइराला बॉलीवुड में अभिनेता हैं। मनीषा कोइराला की शुरुआती पढ़ाई वाराणसी के वसंत कन्या महाविद्यालय से हुई। उसके बाद वो सेकेंडरी की पढ़ाई करने के लिए आर्मी स्कूल धौलकुआ नई दिल्ली चली गईं। मनीषा बचपन से डॉक्टर बन दूसरों की सेवा करना चाहती थीं, लेकिन जब उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा तो फिल्मी दुनिया का विशाल आकाश उन्हें मिला। मनीषा कोइराला की फिल्मी सफर की शुरुआत हुई सन 1991 में सुभाष घई के निर्देशित फिल्म सौदागर से। ये फिल्म मनीषा के लिए मील का पत्थर साबित हुई। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही। दो लेजेंड कलाकार राजकुमार और दिलीप कुमार एक साथ पर्दे पर नजर आए। पहली ही फिल्म से मनीषा कोइराला फिल्मी आकाश में चमकता सितारा बन गई और सिनेमा की सुपरस्टार कहलाई। गैर फिल्मी परिवार से आने के बावजूद मनीषा ने फिल्मी दुनिया में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। अपने कुशल अभिनय के जरिए हिंदी सिनेमा में उन्होंने अपना नाम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में शुमार कर लिया। सन 1996 में पार्थो घोष के निर्देशन में बनी फिल्म अग्निसाक्षी ने उन्हें शिखर पर पहुँचा दिया।
1996 में ही संजय लीला भंसाली के निर्देशन से सजी फिल्म आई खामोशी द म्यूजिकल। ये फिल्म मनीषा कोइराला के फिल्मी किताब में सुनहरे पन्ने की तरह दर्ज हो गई और वे फिल्म इंडस्ट्री की टॉप लीडिंग हीरोइन बन गईं। फिल्म खामोशी में वो अपने मूक बधिर माता पिता का ख्याल रखने वाली प्यारी सी एनी की भूमिका में नजर आई। इस फिल्म में उनके अभिनय के लोग कायल हो गए। सन 1997 में मनीषा कोइराला बॉबी देओल और काजोल के साथ फिल्म गुप्त द हिडन ट्रुथ में नजर आईं, जो ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। सन 1997 में ही मणिरत्नम की फिल्म दिल से में मनीषा कोइराला बादशाह खान यानी शाहरुख खान के साथ नजर आईं। सन 1999 में फिल्म मन में मनीषा कोइराला के अभिनय की एक बार फिर खूब चर्चा हुई। काली नागिन के जैसी जुल्फें तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली। काली नागिन के जैसी जुल्फ
जुल्फे तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली। देखे जो तुझको मन मेरा बोले, मन में बसी है तू हौले हौले। काली नागिन के जैसी जुल्फे तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली। इसी साल अजय देवगन के साथ फिल्म कच्चे धागे में पर्दे पर नजर आई मनीषा। प्यारे नहीं करना जहान सारा कहता है, कोई कुछ कर ले ये प्यार होके रहता है। हाँ प्यार नहीं करना जहान सारा कहता है, कोई कुछ कर ले ये प्यार होके रहता है। सन 2000 में मनीषा कोइराला मल्टी स्टारर फिल्म लज्जा में नजर आईं। कंगना कंगना कंगना, झुमका झुमका झुमका, पायलिया पायलिया, कंगना कंगना कंगना, झुमका झुमका झुमका, पायलिया पायलिया, छनक छनक के बोले, छनक छनक के बोले। ओ, 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 बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गाल पे है काला काला दिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल। जरा बच के रहना चलिए, जरा बच के रहना चलिए, मेरी अदा भी है काजल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गालों पे है काला काला दिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल। सन 2002 में अजय देवगन के साथ मनीषा कोइराला की फिल्म आई कंपनी। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड से नवाजा गया। आइए दोस्तों उनकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण फिल्मों पर भी नजर डालें। ये फिल्म है बॉम्बे। कहना ही क्या, ये नैनिक अनजान सी जो मिले, चलने लगी मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले। अरमान ऐसे दिल में खिले, जिनको कभी मैं न जानूं, वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले, कैसे मिले दिल न जानूं। अब क्या करे क्या नाम ले, कैसे उन्हें मैं पुकारूं। कहना ही क्या, ये नैनिक अनजान से जो मिले, चलने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले। अरमान ऐसे दिल में खिले, कभी मैं न जानूं, वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले, कैसे मिले दिल न जानूं। अब क्या करे क्या नाम ले, कैसे उन्हें मैं पुकारूं। फिल्म 1942 अ लव स्टोरी, ये फिल्म आई थी सन 1995 में। चलते हैं चलते हैं। बचता है जल करम तीन की छत पे जब मोतियों जैसा जल बरसे, बूंदों की ये झड़ी लाई है वो घड़ी जिसके लिए हम तरसे। ये झड़ी लाई है
के लिए हम तरसे पंचानवे में ही आई फिल्म अकेले हम अकेले तुम। ये फिल्म मनीषा की करियर की एक महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुई। इसमें हीरो थे आमिर खान। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में ही खुमार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए, तीरे नजर आर पार को रानी से प्यार हो गया। सन 2012 में मनीषा कोइराला एक खौफनाक बीमारी कैंसर से पीड़ित हुईं, लेकिन वे हार नहीं मानी। उन्होंने इसका इलाज करवाया और इस खतरनाक बीमारी पर विजय पाई। मनीषा कोइराला ने हिंदी सिनेमा में फिल्म मुंबई एक्सप्रेस के जरिए जबरदस्त वापसी की। प्यार मांगता है ये सारा जहां, प्यार चाहिए वो मिलेगा यहां, बीता वो कल प्यारा ये पल तुमसे मिला है जिंदगी प्यार मांगता है ये सारा जहां, प्यार चाहिए वो मिलेगा यहां, प्यारा ये पल तुमसे मिला है जिंदगी जिंदगी प्यार मांगता सारा जहां, प्यार चाहिए वो मिलेगा यहां। सन 2017 में मनीषा कोइराला नजर आई फिल्म डियर माया में। सात रंगों से दो सितारा हुआ तो यूं हुआ, मैंने बोला जिंदगी आजा सन 2018 में मनीषा कोइराला नजर आई फिल्म संजू में। अपनी आने वाली फिल्मों के साथ वे आज भी व्यस्त हैं। मनीषा कोइराला को उनके करियर के लिए हम देते हैं ढेर सारी शुभकामनाएं।
आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी अदाकारा मनीषा कोइराला पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी इस रेडियो सखी ममता सिंह का। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।